हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई के रेस इंडिया। तो यार, कुछ लोग फाइट में ऑटोमेटिक लगा देते हैं या फिर लैपटॉप से नॉन स्टॉप लगा देते हैं टाइपिंग। जैसे कि यार, आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, आप रियल टाइप कर रहे हो, मान लो, ठीक है, आप रियल टाइप कर रहे हो और बंदा उधर से ऑटो लगा रहा है या फिर कोई मतलब कि ट्रिक ही लगा रहा है। समझो ऑटो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो ऑटो मार रहा है। वैसे में अगर आप फाइट कर रहे हो 10 घंटे तक अपने फाइट की, तभी भी बंदा फरार नहीं हो पा रहा है, तो यार समझ लो, शायद आई थिंक हो सकता है लैपटॉप से उसने लोडर लगा दिया हो 2-3 दिन का। ठीक, तो ऐसे में यार आप फ़ोन से लोडर लगाना चाहते हो तो ये ट्रिक जो आपके फ़ोन में 100% वर्क करेगी। आपको भी ऑटो चलाना है तो भाई 2-3 दिन का ऑटो कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड में, उसी के टॉपिक पर ये वीडियो है। तो आप कहीं भी ऑटो लगा सकते हो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, या यूट्यूब स्पेम कर सकते हो, या फिर आप पीएफ लगा सकते हो बैकग्राउंड में। आप कुछ भी करते रहोगे, आपका ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा, 2 दिन या 3 दिन तक ये चलेगा। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है, अगर आपके साथ कोई ऑटो टाइप्स मार रहा है या फिर आपके साथ चीटिंग कर रहा है, ठीक, फाइट में, तो आप भी ऐसे ही कुछ लगा सकते हो बैकग्राउंड में। आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वी फोन गागा। अब यार कुछ लोगों के माइंड में आ रहा है वी फोन गागा, यार ये तो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये वर्क नहीं करता अच्छे से और चलता नहीं। भाई मेरे ये सब चलेगा, आप सही से इसको इंस्टॉल करोगे तभी ये चलेगा। तो जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पे आ जाओगे तो वी फोन गागा आपको 32 बिट का यहाँ पे सर्च करना है और आ जाएगा। आप कहीं से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, फर्स्ट साइड से या सेकेंड साइड से। तो ये तो आपको मैं दिखा दिया, ठीक, तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा, मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। ये रहा वी फोन गागा, ये चाइनीज टाइप में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक भाई, तो इसको आप ओपन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। इसकी मैंने 2-3 सेटिंग का वीडियो बनाया, आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा ऑटोमेटिक टाइपिंग कैसे चलाते हैं। इस वीडियो में बस आपको मैं यही बताऊँ कि बैकग्राउंड में ऑटो कैसे चलाना है। तो यहाँ पर नोट नाउ मैं कर देता हूँ क्योंकि मुझे अपडेट नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ ये लोडिंग लेता है कि जैसे कि यार लैपटॉप वगैरह हो गया तो वो भी थोड़ा लोडिंग लेता है, वैसे ये भी लोडिंग लेता है, ठीक। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये मेरी आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि आपको 2-3 घंटे की यहाँ पे टाइपिंग रिकॉर्ड करनी है। अब यार कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार 2 घंटे की टाइपिंग रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। भाई टाइम तो लगेगा ही, बट एक बार आपने इसमें रिकॉर्ड कर लिया फिर तो आपका ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। अब जैसे कि 2 घंटे की आपने टाइपिंग रिकॉर्ड कर ली, आपने उसकी स्पीड कर दी 500, ठीक है, तो 2 घंटे की आपकी जो टाइपिंग होगी वो मैक्सिमम 30 मिनट की बचेगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा की भी हो सकती है, ठीक। तो ये मैक्सिमम 30 मिनट की बचेगी। और ये बॉस वाले पे पहले मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से समझाता हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ पे हमें मतलब कि 2 घंटे की टाइपिंग रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक, उसकी स्पीड ज़्यादा करेंगे 500 रखेंगे या फिर 1000 रखेंगे यहाँ पर, जिससे कि मैं यहाँ पर स्पीड 500 रख देता हूँ और यहाँ पे ये 90 रख देता हूँ। हम एक यहाँ पे करेंगे तो वो एक ही बार रिपीट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 कर देंगे, ठीक, तो 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट करेगी, मतलब कि 2 बार रिपीट करेगी तो 1 घंटे की स्किप्ट हो गई, ठीक है, समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे मैं 50 कर दूँगा, ठीक, यहाँ पे अगर मैं 50 कर दूँगा तो ये मैक्सिमम 25 घंटे तक रिपीट करेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं 100 कर दूँगा तो ये हमारी 50 घंटे तक रिपीट करेगी। आपको 3 दिन का लगाना है तो आप समझ लीजिएगा कि कैसे हमें 3 दिन का यहाँ पे लगाना है। जैसे कि 50 घंटे का लगा दिया तो मैंने मान के चलो ये 2 दिन का हो गया, ठीक है। अगर आपको इस 3 दिन का लगाना है तो उतना यहाँ पे आप नंबर दे दीजिएगा, आपका ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। बैकग्राउंड में कैसे चलेगा आप इतना यहाँ से ये सेव कर लीजिएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने स्क्रिप्ट एक बना के रखी थी, ये मतलब कि ज़्यादा टाइम की है नहीं, बस आप 2 घंटे की कर लीजिएगा, बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि मैं प्ले कर देता हूँ, ये स्क्रिप्ट मैंने प्ले कर दी तो हमारा ये बैकग्राउंड में चलेगा। वो कैसे, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो गोल गोल बटन दिख रहा है इसके नीचे एक रियल वाले फ़ोन का बटन होगा, थोड़ा ऊपर ऊपर खींचोगे तो यहाँ पे देखिए बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है तो आपका ये यहाँ से कट जाएगा। नहीं कटता दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक। फिर क्या करना है आपको, आ जाना अपने रियल मैसेंजर के अंदर। आपको मैं दिखा देता हूँ ये बैकग्राउंड में हमारे चल रहा है, ठीक, जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए फ्रेंड्स मैसेज आ रहे हैं, मैं कोई टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है। जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक।
ये जितनी आप वहाँ पे इसकी स्पीड रख दो, अगर आपको पीएफ लगाना है या फिर आपको नॉन सब 4 दिन का लगाना है तो आप इसकी स्पीड कम थोड़ा रखिएगा। ज़्यादा रख दोगे तो यार हो सकता है मैसेज ब्लॉक होने लगे, कम रखोगे तो आपका ये 2-3 दिन आसानी से चलता रहेगा। आप कुछ भी यहाँ पे करते रहोगे, देखिए फ्रेंड्स चल रहा है। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, आपका जो नेट है वो ऑन रहना चाहिए, ऑफ़ नहीं होना चाहिए। ऑफ़ कर दोगे ये बंद हो जाएगा, ठीक। अब यार कुछ भी आप करो ना, कहीं भी कोई एप्लीकेशन के अंदर जाओ, आप यूट्यूब के अंदर जाओ, ठीक है, कुछ भी करो, आपका वो बैकग्राउंड में वहाँ पे चल रहा होगा, स्टॉप नहीं होगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। तो यार ये काफ़ी लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मेरे भाई इस हिसाब से चलता रहेगा। आप कुछ भी करो, आपका कॉल आ रहा है कॉल से बात करो या चैटिंग करो कहीं और कुछ भी करो भाई, तो आप ये कंटिन्यू आपका ये चलता रहेगा। आपको जहाँ कहीं भी ऑटो टैप लगाना है बैकग्राउंड में आप वहाँ लगा सकते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ट्विटर टेलीग्राम जहाँ कहीं हो गया। तो आपको मैंने समझा दिया फ्रेंड्स। और एक चीज़ और आपको एंड में बता देता हूँ, आप जिस मतलब कि इंस्टाग्राम में आपको फाइट करनी है तो वहीं आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक। ये नहीं कि आपने इंस्टाग्राम पर रिकॉर्डिंग किया और आप फेसबुक पे मैसेंजर पे चला रहे हो, वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यार वहाँ पे सेंडिंग बटन ऊपर होगा और यहाँ पे नीचे होगा। तो आपको जहाँ रिकॉर्डिंग करना है वहीं आपको चलाना है। और एक चीज़ और, आपको जिस कीबोर्ड से रिकॉर्डिंग करना है उसी कीबोर्ड से आपको चलाना है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप कोई जैसे कि कोई कीबोर्ड यूज़ करते हो तो उसकी स्पीड अगर ज़्यादा रख दोगे तो गलत टाइप होने लगता है। मैक्सिमम 400 स्पीड रखोगे, मैं तो 500 बता, फिलहाल आप 400 रख सकते हो तो यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो अभी भी हमारा वो चल रहा होगा, स्टॉप नहीं हुआ होगा, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए चल रहा अभी, स्टॉप नहीं होगा। तो यार ऐसे आप बैकग्राउंड में आप लगा सकते हो, बस मैं तो मैसेंजर का बताया हूँ आपको कैसे लगाना। अगर आपके साथ कोई ऐसे ही कोई बंदा चीटिंग कर रहा है, लैपटॉप से लगा रहा है, ठीक है, 2-3 दिन का, तो आप ऐसे ही अपने फ़ोन से लगा सकते हो वर्चुअल मशीन के हिसाब से। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, मैं फ़िलहाल बताने वाला नहीं था, मैं सोचा कि यार बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस टाइम ऑटो का यूज कर रहे हैं, ठीक। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलता हूँ फ्रेंड्स अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।